गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 1 2 3 आपको पिछली बार पढ़ाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं यहां पर कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज PQR, PQR दो त्रिभुज हैं। तो दोनों त्रिभुज क्या हैं? किसी भी करना है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इट मींस इसका मतलब ये हो गया कि त्रिभुज ABC ए समरूप है त्रिभुज PQR। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं या एरिया ट्रायंगल एबीसी इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर। यानी अगर ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल होते हैं ना बराबर होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया ए बी सी बाय एरिया पी क्यू आर ये किसके बराबर हो जाएगा। तो कुछ आपको मालूम है, बताया गया था थेल्स प्रमेय में कि दो त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं। हम इसको संगत भुजाएं इसकी क्या हो जाएगी, ए बी की संगत भुजा होगी पी क्यू। हम इसको राइट कर सकते हैं ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर। दूसरी संगत भुजा को ले लीजिए तो दूसरी संगत भुजा हो गई बी सी, तो बी सी की संगत भुजा क्या होगी क्यू आर। आप इसको ए भी राइट कर सकते हैं कि बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर। तीसरी संगत भुजा होगी ए सी, ए सी की संगत भुजा क्या होगी पी आर। इसको राइट कर सकते हैं ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर। वर्ग छोड़ देने पर क्या इसकी वैल्यू अगर 1 मान लेते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर बाई ए सी बाई पी आर। इसकी वैल्यू होगी 1। इट मीन्स ए बी बराबर होगा पी क्यू के। तो इसको राइट कर सकते हैं ए बी बराबर है पी क्यू के। दूसरी संगत भुजा कर लीजिए बी सी बराबर है क्यू आर के। तो राइट करेंगे बी सी बराबर क्यू आर। तीसरा क्या हो गया ए सी बराबर होगा पी आर, ए सी इक्वल पी आर। तो इस त्रिभुज की तीनों संगत, त्रिभुज ए बी सी की तीनों संगत भुजाएं त्रिभुज पी क्यू आर की संगत भुजाओं के बराबर है, अतः इनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इससे सिद्ध होता है कि साइड 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 से त्रिभुज एरिया ट्रायंगल एबीसी इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर। एक बार और देखेंगे, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये दिया हुआ है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। आप पढ़े हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के पाद के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं इसकी संगत भुजा जो है ये लिख सकते हैं PQ।
बीसी की संगत भुजा क्या हो जाएगी क्यू आर, इसकी संगत भुजा होगी पी आर, हमने लिख दिया सबका इक्वल वन। स्क्वायर करेंगे तो आप इसको स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू, इट मीन्स पी आर ए बी भुजा जो है वह पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है और ए सी जो है पी आर के बराबर है। तो इस तरह से साइड 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 से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वह बराबर होगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव। तो दो त्रिभुज आपका बन जाएगा, एक त्रिभुज हो गया एबीसी, एक त्रिभुज ये बन गया, इसका क्षेत्र आपको प्रूव करना है कि डीईएफ के क्षेत्रफल के लिए है ये बराबर है। तो इसके लिए आप देखेंगे यहां पर राइट करेंगे त्रिभुज एबीसी में आप देख रहे हैं कि दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इस त्रिभुज की एबीसी की तीसरी भुजा क्या हो गई बीसी, एबीसी और डीएफ क्या हो गए समानांतर हो गए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डीएफ ए समानांतर है बीसी के। दूसरा क्या है देख रहे हैं इसी प्रकार से इसके दो त्रिभुज की ये दो मध्य बिंदुओं को मिला रही रेखा इसकी सम्मुख भुजा क्या हो गई ए ए सी, ए सी के समांतर हो गया। तो इसको लिखेंगे कि डी ई ए पैरेलल है ए सी के और यह भुजा जो है देखेंगे एफ ई या ई एफ ए समानांतर होगा इसके समांतर ये रेखा खींची गई ए, यानी इस त्रिभुज में यह ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो गई, यह भुजा जो है इसके सम्मुख है ये समांतर हो गई और इसकी सम्मुख भुजा यह है तो ये समांतर। लेकिन दिया है कि क्रम डी ई एफ क्रम से डी ई एफ भुजा ए बी बी सी तथा सी ए के मध्य बिंदु हैं। ये के मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये हो गया कि यह DE भुजा जो है DE किसके आधी हो जाएगी इसकी सम्मुख भुजा ये है तो यह AC के आधी होगी। हम इसको राइट कर सकते हैं कि 1 by 2 AC के। इसी प्रकार DE के बाद आएंगे इसको DF को, DF क्या है DF जो है इसका आधा है सम्मुख भुजा समांतर भुजा के, तो इसको लिख सकते हैं 1 by 2 BC। तीसरी भुजा लिख सकते हैं इसको DF EF को, EF EF किसकी आधा हो जाएगा या इसके आधा हो जाएगा सम्मुख भुजा के 1 बटे 2 AB के। इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों भुजाएं क्या हो गई बराबर हो गई। तो हम इसको लिख सकते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये क्या लिख सकते हैं कि
दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है उनकी संयुक्त भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं। और ये आपको प्रूव भी करना है ना कि ये दो संयुक्त भुजाएं क्या है, इसकी बराबर है। तो हम इसको ये भी राइट कर सकते हैं कि DF by BC, DF by BC ये इक्वल हो, ये DF है इस BC के आधा है, इसको हम राइट कर सकते हैं कि DE, DE किसका आधा हो जाएगा, DE की समभुजा क्या है AC, ये हो जाएगा AC। और तीसरी भुजा क्या बची है ना EF, तो ए हो जाएगा EF, EF बटी हो जाएगा, EF का अनुपात होगा आपका समभुजा इसके AB के, तो ये हो जाएगा AB, यानी इसमें A बटे दो, ये सभी भुजाएं क्या हो गई, एक बटे दो हो गई। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि त्रिभुज एरिया, एरिया त्रिभुज DEF, DEF एक बराबर होगा इसकी एक बटे दो के बराबर 1/2 एरिया ABC। इसे एक बार और देखेंगे, इसमें DF जो है यह भुजा इस भुजा के समांतर है, यह भुजा इस भुजा के समांतर होगी और ये वाली भुजा इसके समांतर। तो चूंकि DEF ए इसके मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो क्या होंगे आधा हो जाएंगे, इसलिए हम इसको संगत भुजाओं को लिख सकते हैं कि ए DF ना DF जो है BC का आधा है। देखिए यहाँ पर सबको लिख करके हमने 1/2 लिख लिया, ए DE को लिखते हैं तो DE क्या है AC का आधा है, DE by AC equal to 1/2, इसी प्रकार से EF by AB equal to 1/2। हमको प्रूव ये करना था ना कि दो ना कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होगी वह क्या होगी इसके समांतर होगी। तो इसमें हम आपको लिख सकते हैं कि त्रिभुज DEF, देखेंगे त्रिभुज DEF ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्र क्या होता है, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ हम टाइप कर सकते हैं कि एरिया त्रिभुज DEF by त्रिभुज एरिया त्रिभुज ABC इक्वल होगा इसकी संगत भुजा DEF की संगत भुजा क्या हो जाएगी इसमें DE सॉरी DF हो जाएगा DF स्क्वायर बाय ABC की संगत भुजा हो जाएगी ये ना BC, BC स्क्वायर। तो DF को अभी हमने प्रूव कर चुके हैं, DF किसका बराबर है 1/2 BC के, हम इसको राइट कर सकते हैं 1/2 BC होल स्क्वायर बाय BC। तो 1/2 का हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कर दिए 2 × 4 BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इनकी भुजाओं में अनुपात कितने होंगे 1/4, अर्थात त्रिभुज DEF त्रिभुज ABC का कौन सा भाग होगा 1/4 होगा। तो आप इसको राइट कर सकते हैं कि अनुपात बराबर है एक समंगे चार, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा एक समंगे चार। एक बार फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको, कह रहा है एक त्रिभुज ABC है जिसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का कौन सा भाग है, दोनों में कितने का अनुपात है। तो इसके लिए आप सबसे पहले देख रहे हैं कि DE DF किसके समानांतर हो गया BC के, DE समानांतर हो गया AC और ये EF समानांतर है AB के, हमने ऊपर लिख दिए।
उसके बाद DEF क्रमशः भुजा AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं, तो मध्य बिंदु होगा तो ये DEF क्या होगा, इस BC का आधा होगा, यह भुजा क्या होगी अपनी समांतर भुजा AB के आधी होगी, क्योंकि मध्य बिंदु से निर्मित है, मध्य बिंदु से बना हुआ है, किसी भी मान लीजिए रेखा है इसका आधा एक कर दिए तो यह आधा क्या होगी रेखा आधा होगा, एक बार तो हमने आधा से भी कह दिया, तो दोनों त्रिभुजों हम देख रहे हैं दोनों की संगत भुजाओं में एक संबंधित दो का अनुपात हो गया, तो अनुपात भुजा 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 से आप इसको राइट कर सकते हैं कि त्रिभुज DEF एक सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC, तो दोनों में अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो त्रिभुज DEF बटे त्रिभुज ABC इनकी संगत भुजा DEF और BC की क्या होगी स्क्वायर के बराबर होगी, तो DF is equal to हमने यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं कि DF is equal to 1 by 2BC, तो हम DF की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे 1 by 2BC, तो ये हो जाएगा 1 by 2 का स्क्वायर किए 1 by 4BC स्क्वायर by BC स्क्वायर, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 by 4 या 1 ratio 4, ये आपका के बाद आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अतः एरिया ए बी
सी ए बराबर होगा एरिया पी क्यू आर। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी क्या होंगे? बराबर है। प्रूफ क्या करना चाहते हो? माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। इसको हम राइट कर सकते हैं कि ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू ये किसके बराबर होगा? संगत भुजाओं का वर्ग उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इसको हम लिख सकते हैं बराबर ए डी बाई क्यू एम। ये हम प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ तो प्रूफ क्या हो गया? तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि AB by PQ का अनुपात जो है BD by QM के अनुपात के बराबर है। ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद जो है आपको ये क्वेश्चन कॉपी पर कर लेंगे और अपने कॉपी पर जो काम कर रहे हैं उसको सोल्व किया करें, सब्सक्राइब किया करें।